हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग इज़ फन विद फरजाना। आज का रेसिपी है मटन स्टार्टर रेसिपी, मटन सूखा। इसके वास्ते 3 पाव केजी बोनलेस मटन लेती हूँ, होना तो विद बोन भी लिया जा। कुकर में लेको पानी छूटने तक इसे रख ली मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब इसके अंदर 1/2 स्पून नमक, 1/2 स्पून हल्दी, 1 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डाल को एक बार मिला लेना। 1 मिनट इसे तलने के बाद 1/2 ग्लास पानी डाल को कुकर का कैप लगा को 3 से 4 विजिल आने तक, नहीं तो मटन नरम गल गए तक पकने देना। कुकर का भाप पूरा जाने के बाद चेक कर लेना, यहाँ मटन में का पूरा पानी सूख गया। एक आधा पानी बच गया तो फिर को इसे पूरा पानी एवोपरेट होने तक के स्टोव पर को पका लेना। मटन भी अच्छा नरम गल गया। अब एक पैन में 3 स्पून तेल गरम कर ले को, 1 स्पून बारीक कट कर ले सो अदरक के पीसेस डाल डालना। 1 मिनट के वास्ते लो फ्लेम के ऊपर पका लेना। अब जरे करी पत्ते डाल को 1/2 कप प्याज डालना, फ्लेम को मीडियम पर रख ले को। प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकने देना, बीच बीच में चलाते। अब 3/4 कप टमाटे भी डालना, बारीक कट कर ले सो टमाटे। टमाटे भी अच्छा नरम गल गए तक इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पका लेना। अब इसके अंदर 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून मीट मसाला पाउडर, नहीं तो गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते। अब इसे 1 मिनट के वास्ते तलने के बाद सूखा कर ले सो मटन डाल डालना। अब फ्लेम को हाई पर रख लेना, मटन को चलाते बीच बीच में 5 मिनट के वास्ते, नहीं तो मटन क्रिस्पी हुए तक इसे तल लेना। एक कदा इसे स्टार्टर के नट सर्व करना है तो ज़रा लेमन जूस डाले तो अभी टेस्टी रहता। इसे तुम्हें चावल, रोटी, पुलका, नान, नहीं तो पुलाव के साथ भी सर्व कर लेना। लास्ट में जरे जिंजर जूलियन का तो अदरक के बारीक पीसेस डाल लेना, जरे करी पत्ते, जरे धनिया पत्ते डाल डालना। बन गया हमारा मटन स्टार्टर या फिर मटन फ्राई, मटन सूखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।